मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। नेपाल आर्मी सोनाक्षी सिन्हा और मलाइका अरोड़ा की वजह से विवादों में आ गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि आर्मी के कई टॉप ऑफिसर्स और जनरल वर्दी में इन दोनों बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसे आर्मी की इमेज से जोड़कर देखा जा रहा है और इस सिलसिले में सरकार को कई शिकायतें भी मिली हैं। नेपाल पीएम ऑफिस ने होम मिनिस्ट्री से सफाई मांगी है, वहीं नेपाल आर्मी ने इसे एक सामान्य सी बात बताया है। चलिए आपको जरा तफसील में बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल सोनाक्षी और मलाइका एक चैरिटी शो आम्रपंक्षी में शामिल होने काठमांडू पहुंची थी। ये शो पिछले साल आए भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए किया गया था। इसे नेपाल आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड आर्मी चीफ जनरल राजेंद्र छेत्री की वाइफ हैं। खबरों के मुताबिक जनरल समीर शाही सोनाक्षी की अगवानी के लिए शुक्रवार को त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट गए थे। सोनाक्षी शुक्रवार दोपहर में काठमांडू पहुंची थी। उन्होंने शनिवार को तुंडीखेल में आम्रपंक्षी शो में परफॉर्म किया। उधर आर्मी के दूसरे बड़े अफसरों ने मलाइका अरोड़ा का वेलकम किया था। मलाइका यहां शुक्रवार की रात पहुंची थी। नेपाली मीडिया में खबर आने के बाद इसे सेना का मनोबल गिराने वाला और इमेज खराब करने वाला बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद पीएम ऑफिस की सेल हेलो सरकार में कई शिकायतें दर्ज कराई गईं। ये आर्मी के दुरुपयोग को लेकर लोक शिकायतों को देखती है, जबकि इस पूरे मामले में नेपाली आर्मी के स्पोक पर्सन ने कहा है कि आर्मी इसमें कुछ भी गलत नहीं देखती। चलिए अब आगे देखना ये है कि ये मामला और कितना तूल पकड़ता है। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।